नेशनल पार्क में सफारी का अपना अलग ही मजा है, अपना ही आनंद है और सैलानी काफी बड़ी संख्या में जंगलों का रुख करते हैं और जंगली जानवरों को करीब से निहारते हैं। ऐसे में अपनी सफारी को और भी ज्यादा रोमांचक और यादगार बनाने के लिए हर पर्यटक की ख्वाहिश होती है कि उसे जंगल का राजा शेर या फिर बाघ जैसा कोई खूंखार जानवर देखने को मिल जाए। लेकिन सोशल मीडिया में इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सैलानियों के सामने ना तो शेर आया ना ही बाघ, लेकिन रोमांच और डर उससे भी कई गुना ज्यादा था। दरअसल यहाँ गजराज गुस्से में आके और सैलानियों से भरी दौड़ाया कि जिसने भी इस वायरल वीडियो को देखा उसकी सांसें थम गई। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो को और करते हैं इसकी पड़ताल। प्रकृति के खूबसूरत नजारों को निहारने के लिए लोग नेशनल पार्क का रुख करते हैं, जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य मंत्र मुग्ध कर देता है। जंगल में घूमते जंगली जानवरों को सफारी के दौरान देखना अलग ही रोमांच पैदा करता है। लेकिन सफारी के दौरान कई बार जंगली जानवरों के मॉक चार्ज की घटनाएं भी सामने आती हैं। ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए पर्यटकों से भरी एक जिप्सी का टस्कर हाथी ने रास्ता रोक दिया। टस्कर हाथी रास्ता रोकने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हाथी सैलानियों की जिप्सी के पीछे भी पड़ गया। और जिप्सी चालक को हाथी के स्मॉक चार्ज से बचने के लिए अपनी जिप्सी को पीछे भगाना पड़ा। हमने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के लिए हमें कई सवालों के जवाब तलाशने थे। क्या वायरल हो रहा वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क का है? टस्कर हाथी के सैलानियों से भरी जिप्सी के पीछे पड़ने के बाद क्या हुआ? टस्कर हाथी क्या होता है? पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखा। वायरल वीडियो नेशनल पार्क के अंदर होने का दावा किया जा रहा था। जिप्सी में पर्यटक बैठे हुए हैं और एक हाथी पेड़ की पत्तियों को चबा रहा है। पर्यटक हाथी को इतना करीब पाकर उसे निहारने लगते हैं। तभी हाथी जिप्सी की ओर दौड़ लगा देता है। घबराए पर्यटक जिप्सी को हाथी की जद से दूर ले जाते हैं। पड़ताल के लिए एक टीम हमने रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए रवाना किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे कॉर्बेट नेशनल पार्क का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक टस्कर हाथी पर्यटकों की जिप्सी का रास्ता रोके हुए है और जिप्सी को दौड़ा रहा है, जिसे कॉर्बेट नेशनल पार्क की बताकर वायरल किया गया है। इस दावे की हकीकत को जानने के लिए समाचार प्लस की एक टीम निकल पड़ी। रामनगर पहुँचने के बाद हमने वायरल वीडियो का सच जानने के लिए ऐसे लोगों की खोज की जो जंगल के रास्ते से भली भांति वाकिफ और इस वीडियो को देखकर सही वास्तविकता बता सके। इस तरह पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात कॉर्बेट पार्क में जिप्सी चलाने वाले उमर से हुई। उमर ने वीडियो देखकर बताया कि वायरल हो रहा वीडियो टिकाला जोन का है जिसमें जिप्सी के पीछे टस्कर हाथी भागा और ये वीडियो 25 दिसंबर का है। कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और ऐसी भी कई घटनाएं सामने आई है जब टस्कर हाथी ने नेशनल हाईवे तक को जाम कर दिया। ये वीडियो सर जो दिखाया गया है ये 25 तारीख का वीडियो है जिस दिन काला जोन में जिप्सी को के पीछे टस्कर भागा है। और कई बार ऐसी घटनाएं बाहर मेन रोड पे भी हो जाती हैं कि जिसमें कि टस्कर जो है कई बार मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, नेशनल हाईवे को जाम कर देता है। तो ये जो घटना है ढिकाला जोन की घटना है 25 दिसंबर की, ये सच है घटना ये जो हमें वायरल हो रहा है। उमर से बात करने के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि वायरल हो रहा वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क का है, लेकिन टस्कर हाथी का जिक्र वायरल वीडियो के साथ बार बार किया जा रहा था, लिहाजा इस बारे में जानकारी के लिए हमने टूरिस्ट गाइड से मिलना उचित समझा। इस तरह हम टूरिस्ट गाइड मदन जोशी से मिले और हमने उनसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे वीडियो के बारे में पूछा। वीडियो देखने के बाद उन्होंने बताया कि ये वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी गेट के आगे सुल्तान रेंज का है। हाथी के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि टस्कर हाथी आक्रामक होते हैं। दरअसल हाथियों के झुंड की लीडर मादा हाथी होती है,
लेकिन जो नर हाथी झुंड के अंदर झुंड के नियमों का पालन नहीं करता उसे झुंड से निकाल दिया जाता है और वो अकेला जंगल में भटकता है। ऐसे हाथी को ही टस्कर हाथी कहा जाता है और यह हाथी काफी गुस्सैल होता है जिस कारण यह हाथी जंगल में मानव और जिप्सियों पर हमला करने से भी नहीं चूकता। वीडियो दिखाया जा रहा है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी से थोड़ा सा आगे जो सुल्तान का एरिया उसके बीच की ये घटना है जिसमें जो है हाथी जो है जिप्सी को दौड़ा रहा है। टस्कर एलिफेंट है और टस्कर भी एलिफेंट उसमें क्या होता है कि जैसे एशियन एलिफेंट है तो मादा इनकी लीडर होती है ग्रुप का। जो इसमें एक होता है टस्कर एलिफेंट उसको पूरे ग्रुप को परेशान करता है ये जो टस्कर एलिफेंट है। उसके बाद क्या है कि जब उसको परेशान करता है तो मादा उसे ग्रुप से हटा देती है। जब ग्रुप से हटा देती है अपना सारा गुस्सा पेड़ों पर और गाड़ी पर निकालता है। ऐसे में अनुमन जब गाड़ी आगे से आ जाती है तो स्वाभाविक है वो गाड़ी पर अटैक करने के लिए भागता है और गाड़ी को खदेड़ता है। अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हम कॉर्बेट के उपनिदेशक अमित वर्मा से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि वायरल हो रहा वीडियो सही है और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही है। उन्होंने इस घटना के बारे में बताया कि एक तस्कर हाथी पेड़ की हरी भरी पत्तियों को खा रहा था। जंगल उनका प्राकृतिक वास है और वे वहीं विचरण करते हैं। उन्होंने इस बात को भी नकार दिया कि जंगल में हाथी ने पर्यटकों का रास्ता रोका, जबकि वीडियो में हाथी जिप्सी के पीछे पड़ता हुआ साफ देखा जा सकता है। जहाँ तक कॉर्बेट नेशनल पार्क के वीडियो की आप बात कर रहे हैं, खाली में एक घटना हुई थी जिसमें एक टस्कर सड़क पे पेड़ों के पत्तियों को खा रहा था और उस कारण कुछ टूरिस्ट को जिप्सियों को वेट करना पड़ा था। नेशनल पार्क के अंदर एनिमल्स का फर्स्ट राइट है चलने के लिए, तो इसको यह कहना उचित नहीं है कि जंगली जानवरों ने रास्ता रोका। वह उनका प्राकृतिक वास है और वह उसी पर विचरण करते हैं और ऐसे में कोई मानव वन्यजीव की घटना संघर्ष की घटना ना हो इसलिए स्टाफ भी काफ़ी मुस्तैद रहता है और आवश्यकता अनुसार उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। पड़ताल में हमें यह भी पता चला कि मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर जंगली हाथी को भगाया, तब कहीं जाकर जिप्सी में बैठे सैलानियों की जान में जान आई और हाथी के जंगल से चले जाने के बाद सैलानियों की जिप्सी आगे जाने के लिए रवाना हो सकी। हमारे हाथ को वीडियो भी लगा, चलिए वो आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में फायर कर हाथी को भगाने की कोशिश की जा रही है और शोर मचाकर हाथी को भगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस तरह वायरल हो रहे वीडियो का सच हमारी पड़ताल में सामने आ गया था। हमें पता चला कि वायरल हो रहा वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। टस्कर हाथी ने पर्यटकों की जिप्सी पर बॉक चार्ज किया। टस्कर हाथी पर्यटकों की जिप्सी के पीछे भागा। प्रकृति का खूबसूरत नजारा लेने के लिए जब भी आप जंगल जाएं, तो वहां के नियमों का पालन करें और जंगली जानवरों को ना छेड़ें। जंगली जानवरों के बॉक चार्ज से धैर्य नहीं खोएं और गाइड के निर्देशों का पालन करें। इस तरह आपकी जंगल सफारी यादगार बनेगी। और हमारी पड़ताल में भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो सच निकला। जब हमने इस दावे की हकीकत की जांच पड़ताल शुरू की और लोगों से जानकारी मिली कि यह वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी गेट से थोड़ा सा आगे का है जो सर्पदुली रेंज का है, जहां पर एक तस्कर हाथी ने पर्यटकों की जिप्सी का रास्ता रोका जो पर्यटकों की जिप्सियां ढिकाला जॉन को घूमने के लिए जा रही थी, लेकिन वन विभाग की मुस्तैदी के चलते हाथी को वहां से भगा दिया गया। ये दावे की हकीकत हमारी जांच पड़ताल में बिल्कुल सही पाई गई। ये वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही है। नसीम खान, रामनगर, समाचार प्लस। सोशल मीडिया में अक्सर वीडियोस और उनके दावों का सच जानने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वीडियो जब हमारे सामने आया तो हमें भी काफी मेहनत करनी पड़ी। दरअसल इस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि सहकारी धर्मार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय के एक डॉक्टर अस्पताल में जुआ खेल रहे हैं। जनमानस में डॉक्टर की छवि बेहद साफ सुथरी होती है, ऐसे में डॉक्टर का मजमा लगाकर जुआ खेलने का दावा करते वीडियो का सच सामने लाने के लिए हमने पड़ताल की वायरल एक्सरे में। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है इस वीडियो की सच्चाई। तबीयत खराब हो तो लोग डॉक्टर के क्लिनिक की ओर रुख करते हैं। समाज सेवा के लिए धर्मार्थ चिकित्सालयों में भी दवाइयां दी जाती हैं। ऐसे में वहां के डॉक्टर इलाज करने के बजाय जुआ खेलते रहे, ये बेहद शर्मनाक है।
ऐसा ही दावा करता एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि धर्माद होम्योपैथिक चिकित्सालय का डॉक्टर जुआ खेलते वीडियो में कैद, लिहाजा वायरल वीडियो की हमने पड़ताल की। चलिए आपको भी वो वीडियो दिखाते हैं। वायरल वीडियो में एक चबूतरे पर 5 लोग बैठे हुए हैं और उनके बाईं ओर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सहकारी धर्माद होम्योपैथिक चिकित्सालय लिखा हुआ है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जुआ खेलता डॉक्टर वीडियो में कैद। वायरल वीडियो रायबरेली का बताया जा रहा था और वायरल वीडियो का दावा बेहद गंभीर था। जिस जगह लोग इलाज कराने जाते वहां डॉक्टर ही जुआ जैसे अनैतिक कार्यों में लिप्त हो, ये बेहद शर्मनाक है। लिहाजा वायरल वीडियो के सच से पर्दा उठाने के लिए एक टीम हमने रायबरेली के लिए रवाना की। सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक सहकारी धर्माद होम्योपैथिक चिकित्सालय उसी में बैठ के कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। आइए आज इस वीडियो की पड़ताल करते हैं, आखिर इस वीडियो में क्या सत्यता है। रायबरेली पहुंचने के बाद हमारी टीम ने वायरल वीडियो में दिख रहे सहकारी धर्माद होम्योपैथिक चिकित्सालय के बारे में पता किया। हमें पता चला कि घंटाघर चौराहे के पास कोऑपरेटिव बैंक है, वहीं पर यह चिकित्सालय है, उसी के बाहर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने देखा है वीडियो, व्हाट्सएप पे भी देखा है, फेसबुक पे भी देखा है और वहाँ पे धर्माद में हर समय पत्ते हुआ करते हैं। वीडियो जो है सरकारी समिति हुआ है कि ये पीछे किसी का है, उसमें जुआ के बाहर में जो कर्मचारी लोग हैं जुआ खेलते हुए देखे गए हैं। हमने कुछ और लोगों से बात की, उनमें से एक शख्स ने हमें बताया कि ये वीडियो उन्हीं के घर के पास का है और वीडियो सोशल साइट पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब तक चिकित्सालय खुला रहता है वहाँ मजमा लगा रहता है और ताश पत्ती चलती रहती है। वीडियो देखा है, इंटरनेट पर भी देखा है और अपने फेसबुक पर भी देखा है। हमारे घर के पास ही का है चिकित्सालय है, सरकारी धर्माद उसी में। तो क्या देखा उसमें, वीडियो में क्या है? वो तो सच्चाई है वीडियो की, हमेशा ताश पत्ते वहाँ पे हुआ करते हैं, जो भी करते हुए जब तक वो खुला रहता है तब तक वहाँ पे ताश पत्ते हुआ। पड़ताल के दौरान हमारे सामने दो बातें सामने आई, कुछ लोग वहाँ जुआ खेलने की बात कर रहे थे तो कुछ लोग ताश का खेल। जुआ खेलने और ताश का खेल खेलने में अंतर है, लिहाजा वायरल वीडियो का सच क्या है इसकी पड़ताल के लिए हम चिकित्सालय की ओर रवाना हुए। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सहकारी धर्माद होम्योपैथिक चिकित्सालय में कुछ लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं, पड़ताल के दौरान हम उस स्थान पे आ गए हैं। ये पीछे हमारे जो है वो सरकारी धर्माद होम्योपैथिक चिकित्सालय है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हैं, अभी इनसे भी बात करेंगे आखिर जो वो वीडियो वायरल हुआ था क्या है, उसकी सत्यता क्या है, उसकी हकीकत क्या है और आखिर ये अगर वायरल हुआ तो क्यों हुआ और कैसे ये बाहर तक पहुँच गई, ये बात कैसे लोगों के मोबाइलों पर और सोशल मीडिया तक आ गई। चिकित्सालय पहुँचने के बाद हमारी टीम वहाँ के डॉक्टर से मिली, डॉक्टर साहब मरीज को दवा दे रहे थे। वीडियो में डॉक्टर के जुआ खेलने का दावा किया जा रहा था। लिहाजा सच जानने के लिए हमने डॉक्टर से वायरल वीडियो के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने बताया कि ठंड की वजह से वो और कुछ लोग धूप सेक रहे थे और मरीज भी नहीं आ रहे थे, ऐसे में कभी कभार ताश पत्ती का खेल समय काटने के लिए खेला जाता है। वायरल वीडियो में वो धूप सेकने के लिए बैठे हैं लेकिन वो ताश का खेल नहीं खेल रहे हैं। साथियों ने दावा किया कि जुआ खेलने की बात सरासर गलत है। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं सरकारी होम्योपैथी चिकित्सालय में, हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं आज, इनसे हकीकत जानते हैं। आखिर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्या हकीकत है, कौन लोग वहाँ बैठे हुए थे, क्या डॉक्टर साहब भी वहाँ पे शामिल थे या क्या है, इनसे हकीकत जानते हैं। हाँ देखिए, ऐसा है कोई भी देखा, उस समय सीजन डाउन था, धूप ले रहे थे लोग ठंडक के वजह से और यहाँ कोई सास वास होता है कभी कभार, आके लोग बैठ गए जहला पकड़ कर खेल गए, उसमें हम सिर्फ धूप के वजह से बैठे हुए थे और मैं खेल नहीं रहा था। अब उसमें किसने क्या किया कही हमने, जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि जो इनके सामने आसपास मार्केट है, मार्केट में बैठ के वहाँ पे ताश पत्ती खेल रहे थे और डॉक्टर साहब वहाँ पे जाके केवल बैठ गए और इनका साफ कहना है कि जुआ खेलने में नहीं शामिल थे। हाँ जरूर वहाँ पे ताश पत्ती वहाँ पे नहीं जा रही थी,
पर्दा के दौरान तो ये साबित हो गया वो जो वीडियो वायरल है हो रहा है वो वीडियो यहीं का है, लेकिन ये बात जरूर बताई जा रही है कि वहाँ पे जुआ नहीं बल्कि ताश पत्ती खेली जा रही थी। इस तरह वायरल वीडियो का सच हमारी पड़ताल में सामने आ गया था। सर्दी की वजह से स्थानीय लोग धूप सेकने के लिए अक्सर वहाँ आ जाते हैं और समय व्यतीत करने के लिए ताश का खेल भी खेलते हैं, जिससे अक्सर वहाँ मजमा भी लग जाता है। इससे परेशान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस तरह पड़ताल में हमें पता चला कि वीडियो में दिख रहे डॉक्टर एस के त्रिवेदी हैं। सर्दी की वजह से चिकित्सालय के बाहर स्थानीय लोग धूप सेकने के लिए बैठ जाते हैं, समय व्यतीत करने के लिए अक्सर वहाँ लोग ताश का खेल खेलते हैं। डॉक्टर के जुआ खेलने का दावा करता वीडियो झूठा है। सर्दी में धूप लेना अच्छी बात है, लेकिन धूप सेकते हुए धर्मार्थ चिकित्सालय के बाहर ताश खेलना सही नहीं है। ताश के खेल की वजह से वहाँ लोगों का मजमा लग जाता है, जिसकी वजह से मरीजों को भी परेशानी होती है। इस तरह डॉक्टर के जुआ खेलने का दावा करता वीडियो हमारी पड़ताल में गलत साबित हुआ। हालांकि वहाँ अक्सर ताश पत्ती का खेल लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि चिकित्सालय में डॉक्टर उनके साथ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस वीडियो की पड़ताल की गई। पड़ताल के दौरान हम स्थानीय लोगों से बात की। स्थानीय लोगों का भी कहना था कि हाँ वीडियो सही, यहाँ पे लोग ताश की पत्तियाँ खेलते हैं। उसके बाद हम उस चिकित्सालय पहुँचे, चिकित्सालय में डॉक्टर से भी हमने बात की, लेकिन डॉक्टर का ये साफ कहना था कि हाँ यहाँ पे ताश के पत्ते जरूर खेले जा रहे थे, लेकिन जो दावा जुआ खेलने का किया जा रहा था यहाँ पे जुआ नहीं बल्कि टाइम पास के लिए ताश के पत्ते जरूर खेले जा रहे थे। तो पड़ताल के दौरान ये वीडियो तो सच पाया गया, लेकिन जो दावा किया जा रहा था कि वहाँ पे डॉक्टर हुआ उनके स्थानीय लोगों द्वारा जुआ खेला जा रहा है, तो ये दावा यहाँ पे जो है झूठा साबित हुआ है। वही अगर वायरल होने की बात की जाए तो इसको वहाँ पे स्थानीय लोगों ने वायरल किया था, इसलिए वायरल किया था कि ताकि वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती थी, वहाँ पे ताश की पत्तियाँ होती थी जिससे मजमा लग जाता था। रोहित मिश्रा, समाचार प्लस, रायबरेली।